Hey, hello everyone, welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here with a new chapter. So आज का हमारा chapter है around the world. It means संसार के चारों ओर. तो इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं एक train journey के बारे में. तो चलिए बिना समय गवाए chapter की शुरुआत करते हैं. लेकिन इससे पहले अगर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से channel को subscribe कर लीजिए और साथ ही bell icon को भी press कर दीजिए. तो चलिए chapter की शुरुआत करते हैं. Which is the most interesting place you have visited? आपने जितने भी प्लेस अभी तक विजिट किए हैं, घूमे हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेस कौन सा है? How did you go there and return? आप वहाँ कैसे गए और वहाँ से कैसे वापस लौटे? Have you traveled by different means of transport? क्या आपने कभी यातायात के अलग अलग साधनों का प्रयोग किया है यात्रा करने के लिए? Is there a mode of transport that you would like to use? क्या कोई ऐसा साधन है जिसको आप use करना चाहेंगे अपनी journey में या जिसके द्वारा आप अपनी यात्रा करना चाहेंगे? Mr. Phileas Fogg lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. Mr. Phileas Fogg जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाते हैं कि वो 80 दिनों में पूरे संसार के चक्कर लगाकर या घूमकर आ जाएंगे. This is the story of how he traveled with his companion. और यही कहानी है कि वो कैसे अपने दोस्तों के साथ यात्रा करते हैं. That evening, उस शाम, they were on the train from San Francisco to New York. वो लोग San Francisco से New York जाने वाली ट्रेन में थे, which was 3,786 miles away, जो लगभग 3,786 मील दूर था. In 7 days, 7 दिनों में द ट्रेन वुड टेक दम फ्रॉम द पैसिफिक टू द एटलांटिक ओशियन. जो ट्रेन है वो उन्हें पैसिफिक ओशियन से, हम कहें प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर तक ले आएगी. द ट्रेन स्टीम्ड थ्रू कैलिफोर्निया एट फुल स्पीड. ट्रेन जो है वो कैलिफोर्निया से बहुत तेज़ी से आती है, या फिर कहें बहुत तेज़ी से चलती है. इट क्रॉस स्टीप माउंटेन, ये एकदम सीधे पर्वतों को भी पार करती है. स्लॉब्स, ढलानों को भी. डीप कैनियंस, गहरी घाटियों को भी. एंड हेयर रेजिंग कर्व्स मूविंग थ्रू अ फ्यू टनल्स एंड ब्रिजेस. और जो सुरंगें थी, जो ब्रिज थे, उनके ऊपर जो गहरे घुमाव थे या हम कहें खतरनाक घुमाव थे, उनको भी वो पार करती है. सडनली द ट्रेन स्लोव्ड डाउन एज अ हर्ड ऑफ बैफलोज चार्ज्ड अक्रॉस द रेलवे ट्रैक. लेकिन अचानक जो ट्रेन है वो बिल्कुल धीमी हो जाती है क्योंकि जो रेलवे ट्रैक था उस पर से एक भैंसों का झुंड गुजर रहा था. द ट्रेन वॉज फोर्स टू स्टॉप टिल द प्रोसेशन पास लाइक अ ग्रेट ब्राउन रिवर. अब ट्रेन को रोकना पड़ा जब तक कि वो पूरा झुंड उस रेलवे ट्रैक से अलग नहीं हो गया, जो कि बहती हुई एक भूरे रंग की नदी जैसा लग रहा था. द हर्ड टुक अ फुल 3 आवर्स टू क्रॉस द ट्रैक. और उस झुंड को लगभग 3 घंटे लगे उस ट्रैक से गुजरने के लिए. Night had fallen by the time. और उस समय तक रात्रि हो चुकी थी. The train could move again. अब जो ट्रेन है वो वापस चल सकती थी. The train headed for the steep mountains. अब जो ट्रेन है वो ढलान वाले पर्वतों के क्षेत्र में आ चुकी थी, मतलब ऐसे पर्वत जिन पे कोई सपोर्ट नहीं होता, बिल्कुल सीधे होते हैं. This was the most difficult part of the journey. ये हमारी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा था या कठिन भाग था. With its winding roads, क्योंकि इन रास्तों पर जो मीन्स इस पार्ट पर जो रास्ते थे वो बहुत ज़्यादा घुमावदार थे. They passed the highest point of their journey. उन्होंने अपनी यात्रा का सबसे highest जो point है वो पार किया, 7,524 feet above sea level, जो समुद्र तल से लगभग 7,524 feet ऊँचा था. In a few hours, कुछ ही घंटों में they would be out of the Rocky Mountains. वो उस पर्वतों वाले इलाके से बाहर हो जाएंगे. आफ्टर द पैसेंजर हैड टेकन देयर ब्रेकफास्ट, जब पैसेंजर्स ने, यात्रियों ने अपना नाश्ता कर लिया. द ट्रेन गेव अ श्रीक विशल, तो ट्रेन ने एक तीखी सी सीटी मारी. एंड ब्रेक विद अ जर्क, और एक झटके के साथ ब्रेक लगाए. एंड केम टू अ हॉल्ट, और एक प्रदेश में आ पहुँची. पासपार्ट आउट जो कि एक फ्रेंच पैसेंजर था, went to see what the matter was. वो देखने गया कि आखिर क्या बात हुई. There was nothing to be seen. कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था. The train had halted in the middle of nowhere. जो ट्रेन है वो किसी स्थान के बीच में आकर कहीं रुक गई है. There was वहाँ
ही हर्ड द सिग्नलमैन से, उसने सुना कि सिग्नलमैन कह रहा था द ट्रेन कैंट गो ऑन, अब ट्रेन आगे नहीं जा सकती। द ब्रिज नियर मेडिसिन बो वोंट सपोर्ट द वेट, जो ब्रिज है मेडिसिन रिवर के पास वो ट्रेन के वेट को सपोर्ट नहीं करेगा और शायद ट्रेन नीचे गिर सकती है। इट वॉज अ सस्पेंशन ब्रिज एंड सम ऑफ इट्स केबल्स वर ब्रोकन, ये एक लटका हुआ ब्रिज है और साथ ही में इसके जो केबल्स हैं वो भी थोड़ी बहुत टूटी हुई है। द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सेड, लेकिन जो ट्रेन का ड्राइवर था उसने कहा परहैप्स देर इज़ अ चांस ऑफ गेटिंग अक्रॉस द ब्रिज बाई लेटिंग द ट्रेन प्रोसेस्ड एट मैक्सिमम स्पीड, कि अगर ट्रेन को मैक्सिमम स्पीड से दौड़ा कर लेकर जाया जाए तो शायद हम इस ब्रिज को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। ऑल अब्रॉड, सभी सवार, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा द पैसेंजर्स गॉट ऑन द ट्रेन एंड द ड्राइवर रिवर्स द ट्रेन फॉर नियरली अ माइल, सभी जो पैसेंजर्स थे वो ट्रेन में सवार हो गए और जो ट्रेन है, जो ड्राइवर ने जो ट्रेन है उसको कम से कम एक मील तक रिवर्स लिया। देन ही गेव अनदर विशल, उसके बाद उसने दोबारा दूसरी सीटी मारी। द ट्रेन बिगन टू मूव फॉरवर्ड सो फास्ट, उसके बाद ट्रेन ने बहुत तेज़ी से चलना शुरू किया। दैट इट वॉज फ्राइटनिंग, कि बहुत ज़्यादा डरावना था। द पैसेंजर्स हैड द फीलिंग दैट द ट्रेन वॉज नॉट रेस्टिंग ऑन द ट्रैक्स बट वॉज फ्लोटिंग थ्रू द एयर, अब पैसेंजर्स को ये फीलिंग आना शुरू हो गई थी कि जो ट्रेन है वो ट्रैक्स पर नहीं चल रही बल्कि हवा में तैर रही है। एज द इंजन श्रीक्ड एंड द ट्रेन शडर्ड, और जैसे ही इंजन से आवाज़ आई और ट्रेन कप कपाने सी लगी, दे वर ओवर द ब्रिज इन अ फ्लैश, तो वो चुटकियों में से ब्रिज के ऊपर से पास हो, मतलब पास हो रहे थे। एज सून एज द पास ओवर द मेडिसिन रिवर, और जैसे ही वो मेडिसिन रिवर को पार कर गए, द ब्रिज क्रैश डाउन इन टू द रैगिंग वाटर बिलो, तो जो ब्रिज है वो टूट कर उस बहते हुए पानी में गिर गया। द ट्रेन कंटिन्यूड इट्स कोर्स दैट इवनिंग विदाउट इंटरप्शन, उस शाम जो ट्रेन है उसने अपनी जो यात्रा है उसको जारी रखा बिना किसी इंटरप्शन के। एज द ट्रेन मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट डे, और जैसे ही अगले दिन ट्रेन आगे चलती है, इट वॉज सडनली अटैक्ड बाई हंड्रेड्स ऑफ सियोक्स इंडियंस, अ ट्राइब ऑफ नेटिव रेड इंडियंस, जो ट्रेन पर जो रेड इंडियंस हैं उन्होंने हमला कर दिया। एक प्रजा मतलब एक ट्राइब है, एक जनजाति है जिनको रेड इंडियंस कहा जाता है, क्योंकि उनका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा धूप में रहने की वजह से लाल, थोड़ा लाल सा हो जाता है, जिसकी वजह से उनको रेड इंडियंस कहा जाता है। और उन लोगों ने उस ट्रेन के यात्रियों पर हमला कर दिया। मैनी ऑफ देम अपीयर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, जंप्ड ऑन टू द मूविंग ट्रेन एंड पुल देमसेल्व्स अप द स्टेप्स, उनमें से कुछ ट्रेन के किसी भी हिस्से से चढ़ रहे थे, ट्रेन के अंदर आ रहे थे और साथ ही में ट्रेन के जो दरवाजे थे उनको खोल खोल कर अंदर घुस रहे थे। दे वर आर्म्ड विद राइफल्स, उनके हाथों में राइफल्स थी। सम ऑफ द ट्रेवलर्स हैड रिवॉल्वर्स, लेकिन हमारे भी कुछ यात्रियों के पास रिवॉल्वर्स थी। दे डिफेंडेड ब्रेवली बाय आंसरिंग विद पिस्टल शॉट्स, इसीलिए उन्होंने भी अपने आप को डिफेंड किया, उनकी जो गोलियों की आवाज़ थी उसका जवाब उन्होंने अपनी पिस्टल्स के शॉट से दिया। द कंडक्टर क्राइड आउट, तो कंडक्टर ने चिल्लाया द ट्रेन मस्ट बी स्टॉप्ड और वी आर लॉस्ट, ट्रेन को रोक दिया जाना चाहिए वरना हम सभी गुम हो जाएंगे या फिर हम सब मारे जाएंगे। आल गो, मैं जाऊंगा, पासे पार्ट आउट ने कहा, जो कि एक फ्रेंच पैसेंजर था, हमने पढ़ा है। ही ओपन अ डोर, उसने एक दरवाज़ा खोला, एंड अनसीन बाय द रेड इंडियंस, और इस तरीके से गया ताकि वो रेड इंडियंस को दिखाई ना दे। ही स्लिप्ड अंडर द रेसिंग ट्रेन, वो चलती हुई ट्रेन से थोड़ा नीचे फिसला, एंड होल्डिंग ऑन द चेन्स, और साथ ही में चेन्स को पकड़ते हुए ही स्लोली रीच द इंजन, वो इंजन के पास पहुँचा। दैन ही सेपरेटेड द इंजन फ्रॉम द कॉचेस, उसके बाद उसने बोगियों को इंजन से अलग किया। दे स्टार्टेड टू स्लो डाउन, उसके बाद जो ट्रेन है उसकी स्पीड थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। दे हैड नियर अ स्टेशन वेयर सोल्जर्स अट्रैक्ट बाय द साउंड ऑफ शॉट्स, उसके बाद हम एक स्टेशन पर पहुंच गए जहां पर सैनिक मौजूद थे जो हमारी जो शॉट्स की आवाज़ थी उनकी वजह से हमारी ट्रेन के पास आ गए। हरी टूवर्ड्स द ट्रेन, वो जल्दी से ट्रेन के पास आए। द रेड इंडियंस ऑन बोर्ड सो दैम, जो रेड इंडियंस थे उन्होंने उन्हें देखा, एंड क्विकली जम्प्ड ऑफ बिफोर द ट्रेन स्टॉप्ड इंटायरली, लेकिन वो ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही बीच में ही उतर गए। सो दिस वॉज द चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस ट्रिप रही इनकी। तो चलिए अब पोएम जो चैप्टर में आए हैं न्यू वर्ड्स उनको देख लेते हैं। प्रोसेसन, इट मीन्स बॉडी ऑफ पर्सन्स और एनिमल्स वॉकिंग टुगेदर, किसी मतलब व्यक्तियों या जानवरों का झुंड जो एक साथ चल रहा हो। कैनियंस, इट मीन्स डीप नैरो ओपनिंग यूजुअली विद अ स्ट्रीम, ऐसी सकरी घाटियाँ जिनके बीच में से झरना बह रहा होता है। सपोर्टिंग, इट मीन्स कीप फ्रॉम फॉलिंग, मतलब गिरने से बचना।
कंडक्टर इट मीन्स पर्सन इन चार्ज ऑफ बस और अ ट्रेन, एक पर्सन जो कि इंचार्ज होता है किसी भी बस या ट्रेन का। ओके चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। विच ट्राइब ऑफ रेड इंडियंस अटैक द ट्रैवलर्स? सो द सियोक्स ट्राइब ऑफ रेड इंडियंस अटैक द ट्रैवलर्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी? 7,524 फीट अबव सी लेवल वॉज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी। What's next? Why did the train stop the first time? Stopped when a herd of buffaloes was passing the railway station. Okay. What's next? How many days would it take for the train to reach New York? So it would take 7 days to reach New York by train. Okay. Next is take the correct answer. The first time the train stopped was because a herd of buffaloes was passing. What's next? The bridge fell with a crash into the river after the train had passed through. Okay. सो दिस वॉज द चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।